तो आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर घूमने, जो बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है और वैशाली जिले से ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर दूर है जहां से हम लोग निकल पड़े हैं। यहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लोगों का धार्मिक स्थल पाया जाता है। और जैसे ही हम राजगीर के नज़दीक पहुंच रहे थे, हमें पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखना शुरू हो गया था। और फिर थोड़ा आगे जाने पे हमें ये पता चलता है कि जहां हम जा रहे हैं वो हमसे बस 17 किलोमीटर दूर है। फिर सुकून से हम कार में गानों का मज़ा लेते हुए आगे निकल पड़ते हैं। फाइनली हमें राजगीर का ये छोटा सा एंट्री गेट भी दिख जाता है। वैसे मैं राजगीर एक बार और आ चुका हूँ 10 साल पहले स्कूल ट्रिप पे। तब की फोटो मैं उसी लोकेशन पे पहुँच के दिखाऊंगा। और तब से अब तक काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। राजगीर बाजार में हमें ये टमटम दिखता है, जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। ये यहाँ टूरिस्टों द्वारा काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर हमें ये पहाड़ों का सुंदर व्यू देखने को मिलता है और हम 3-4 घंटे से गाड़ी में बैठे बैठे अकड़ जाते हैं। तो यहाँ रुक के अपनी पहले कमर सीधी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच गए? राजगीर। ये है राजगीर का वाइल्ड लाइफ सफारी। और क्योंकि हम हॉलीडे पे आए थे तो ये सब कुछ बंद पड़ा था और ये मेरे मित्र से देखा नहीं गया और उसने गार्ड से ये बोल डाला। अंदर आवे तो नहीं, फोटो खिंचा के जाइलो। वैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे बंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। इन्होंने हमारे मित्रों से पैकेट्स छीन ली और हमारे मित्र देखते रह गए। यहाँ ये रोपवे है जो हमें पहाड़ के ऊपर ले जाता है, जिसे यहाँ लक्ष्मण झूला भी कहते हैं। लेकिन हॉलीडे के कारण ये भी बंद था, तो अब हमें पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा। रसन, हाउ डू यू फील? लेकिन ये पहाड़ के ऊपर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था और गर्मी भी उतनी ही तेज थी। ये फॉरेनर्स इन बंदरों के झुंड को बिस्किट खिला रहे थे। असली मौज तो इन बंदरों का है। बंदर मिलता हूँ, चला गया। सबके सब थक चुके थे, लेकिन अभी आगे और जाना था तो बनी सीढ़ियों को छोड़कर हम शॉर्टकट रास्तों से ऊपर जाने लगते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस भी था।
और इन लोगों को ऐसे देख के आपको हमारी कंडीशन का अंदाजा हो जाएगा। हाल चाल बताइए अब थोड़ा सा। हाल बेहाल है, नसूर है, नताल है। और ये बंदर हमारे साथ ही पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। धूप भी बहुत ज्यादा थी, कुछ तो हमारे ऊपर से ही गुजर रहे थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं पीछे ये शांति स्तूप है। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, जिसका फोटो मैं दिखा दूंगा। काफी तेज धूप है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 10 साल पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, तो ये यही वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने 10 साल पहले फोटो खिंचाई थी और मैं कुछ ऐसा दिखता था। वैसे ये हमारा सफ़र कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बंद ही था और थोड़ा निराश भी होते हैं सभी लोग। बट खुशी इस बात की होती है कि काफ़ी दिनों बाद सारे दोस्त एक साथ कहीं घूमने गए थे और इसी खुशी के साथ हम वापस अपने घर को लौट आते हैं।